राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले आज हम तालबेट की सबसे बड़ी खबर से करते हैं कि आज तालबेट पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को पकड़ लिया है, दबोच लिया है। तो वहीं गोलीबारी हुई दोनों तरफ से, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सोनोरी पुलिया के पास पूरी तरह से मुखबिर की सूचना पर सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल विनोद कुमार मिश्र पहुंच गए और जैसे की जानकारी मिली है कि ये दोनों बदमाशों के नाम जा रहे हैं कि दीपक धर्मेंद्र हैं और ये हसारी के निवासी हैं। और इन्होंने कुछ घंटों पहले तालबेट में पवा नैनेच हाईवे पर छिनती की थी, कहें तो लूट भी की थी, और चलती बाइक में से महिला का पर्स ले गए थे। और इससे तालबेट पुलिस हरकत में आई थी और तुरंत ये घटना को तुरंत तालबेट पुलिस ने जाकर मुखबिर की सूचना पर सोनोरी पुलिया के पास पूरा कलात कि सड़क पर मौजूद है। यहाँ पर सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल विनोद कुमार मिश्र को मुखबिर की सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे और ये देखे ये वही हैं सातिर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये वही बदमाश हैं, ने आप देख लीजिए, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। शाम को वही लूट की थी, कहीं खराबी की थी। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई गलों के साथ।